नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार पुलिस री एग्जाम के कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार पूछे गए प्रश्नों पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सेट प्रैक्टिस जो रेगुलर चल ही रहा है, लेकिन साथ में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा हल प्रश्न पत्र भी हम बीच बीच में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 22/10/2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसके पूरे 100 क्वेश्चन को हम देखेंगे। और रेगुलर जो आपका जीके जीएस और हिंदी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है तो उसका क्लास आप कंटिन्यू करते रहिए। साथ में बीच बीच में हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट भी रखते रहेंगे आपके सामने। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों को शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्चा में निपटारा के लिए, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैसब शब्द कौन सा संज्ञा पद है? भाववाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें कि सैसब बालक का एक अवस्था होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है महानदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महानदी पर। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला क्वेश्चन था, चार नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा क्या है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? त्वरण का, वेग का, शक्ति का, ऊर्जा का? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? बांद्रा है, बोरी बंदर है, छत्रपति शिवाजी है, ठाणे रेलवे स्टेशन? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 8 नंबर क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उससे के घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर क्या करना? निर्यात करना। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट है, माला लुक्स प्रीटी, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम बताना है आपको, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रीटी मतलब क्या होता है? सुंदर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुरूप। 12 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन है भारत सरकार में? केंद्रीय सतर्कता आयोग,
उच्चतम न्यायालय नौकरशाही या केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर, कोयला, बॉक्साइड, यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक है, राजनैतिक है, थीमेटिक है या भौतिक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीमेटिक। क्या हो जाएगा? थीमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे, प्रशासक थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या थे? खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, m बाई टू माइनस टू इक्वल टू सिक्स, तो m का मान क्या होगा? जब आप m की जगह पे 16 को रखेंगे, 16 बाई टू 8 हो जाएगा, 8 माइनस टू 6 आ जाएगा, यानी 16 आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मे, पे, पर। अगला है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 ही हो जाएगी। कितनी होगी? 16। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, हीट ट्रेवल्स बाई कार, विथ कार, एट कार, ऑन कार। क्या हो जाएगा सुटेबल? ऑन कार, हीट ट्रेवल्स ऑन कार। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? 2/0, जब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे 2 ही आंसर आएगा, यानी ए ही नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। शून्य को यहाँ पर 2/0 क्या करता है? नहीं दर्शाता है, बाकी सभी शून्य को दर्शाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो शून्य को यहाँ पे 2/0, 1/0, 0/0, 10-10/2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2/0 शून्य को क्या करता है? नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है जिससे कुछ होने का बोध होता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे पढ़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य बताइए। तो भारत में रबर का उत्पादन करने वाला जो अग्रणी राज्य है वो केरल है। केरल में आपको बता दें कि 70% क्या होता है यहाँ पे? रबर उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो ये कहा था बोहर ने। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बोहर ने कहा था। अगला देख लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2a² प्लस बी स्क्वायर। समीकरण बी इक्वल टू यू प्लस एटी क्या जानकारी देता है? तो ये वेग समय एक फंक्शन है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है,
नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन, इनमें से कोई नहीं। ए राइट हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदार। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? भारत में जो परिवहन है इसका प्रमुख साधन कौन है? तो ज़्यादातर जो भारत में लोग जाते आते वो राजमार्ग है ना, रोड वे। पयोधी शब्द निम्न से किसका पर्यायवाची है? पयोधी, तो पयोधी शब्द जो है यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन बताइए। तेल पानी में मिल जाता है, स्टोनी पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, चीनी पानी में घुलनशील है। सही कथन केवल और केवल डी है, चीनी पानी में क्या है? घुलनशील है। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य का नाम बताइए। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमेरिका, रूस, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, ये 5 संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है आपका असम। 33 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संस्कृत का वो शब्द जिसका मूल रूप से कहाँ प्रयोग किया जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तत्सम। क्या कहा जाता है? तत्सम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। गोदान याद रखिएगा, उनका फेमस उपन्यास। 35 नंबर क्वेश्चन है, अगर घनाभकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो इसका आयतन क्या होगा? जब आप इसका आयतन निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 12AQ + BC². दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, कार्ल मार्क्स है, गुटेनबर्ग है, टॉल्स्टॉय है, कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका उदाहरण है? 37 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, परजीवी का। किसका? परजीवी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है, क्या रहा है? तो दोनों ए और बी, कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये दोनों रहा है। नेक्स्ट है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, कमजोरी, वजन में कमी, उपर्युक्त में से सभी, तो मोटापा बढ़ जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जब तीन ओर से पानी हो तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसान के लिए जो योजना कल्याणकारी नहीं है वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल योजना। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है
प्रस्वेदन, क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन। नेक्स्ट है कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फॉर्म, नाउन को वर्ब फॉर्म में चेंज करना है, एप्लीकेशन वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अप्लाई, क्या करना? अप्लाई करना। फिल इन द ब्लैंक सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए वर्ड का एडजेक्टिव बताना है। वर्ड है अफेक्शन, एडजेक्टिव। विशेषण बताना है तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अफेक्शनेट। बुद्धि का सही विलोम क्या होगा? अति वृद्धि, अवृद्धि, अल्प वृद्धि या क्षय? इसका हो जाएगा डी नंबर, क्षय। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल जिरंड भरना है। आई एम एवर्स टू ड्रिंक, ड्रैंक, वी ड्रंक, ड्रिंकिंग। 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ड्रिंकिंग। आप पढ़े होंगे जिरंड। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनिटिव। इट इज नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, प्लीज, प्लीजिंग, प्लेज्ड, टू प्लीज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, टू प्लीज। निम्न में से कौन सी एक धातु अधातु है? कॉपर, सी ओ, एफ ई, एफ या एन ए? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एफ। त का उच्चारण स्थान बताइए, त का उच्चारण स्थान क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग हाफ कर लिए हैं। कंठ होगा, दांत होगा, तालू होगा या मूर्धा होगा? एक बार उच्चारण स्थान देख लीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन आना तय है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दांत। त का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? वेस्टर्न घाट, आरावली, हिमालय, सतपुरा। तो सभी को पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय या त्रिकुट? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है यानी सबसे निचला भाग, उसे शिवालिक कहा जाता है। हम लोग के तरफ जो सबसे निचला भाग है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक। एक आदर्श ईंधन वह ईंधन होता है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, उपयोग, यानी सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 33। व्यंजन का कुल संख्या कितना है? 33 है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस क्या करती है? मुक्त करती है। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, पादप है, घास है, निमेटोड्स हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, ओजोन, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। क्लोरीन का, किसका? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो बहती है वो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। किधर? समुद्र से भूमि की ओर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 16 है, 20 है, 29 है, 22 है? मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 होता है। कितना होता है? 22।
9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 9.8 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो 9800 ग्राम हो जाएगा। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो गंगा को साफ करने में अहम भूमिका कौन निभा रहा है? जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, कौन निभा रहा है? जर्मनी। कौन निभा रहा है? जर्मनी। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो शुद्ध यहाँ पर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो और चेचक रोग होता है जीवाणु के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा या पुष्पों द्वारा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफिक्शन, एडवर्ब बताना है। तो एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पर अफेक्शनेटली, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड है बताइए? एकल है, डबल है, ट्रिपल है, इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन में आपको बता दें कि एकल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थिफ, थिफ का प्लूरल बताना है। तो थिप्स, कौन सा थिप्स होगा राइट वाला? तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, थिप्स। 73 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो कितना परसेंट खर्च किया? तो यहाँ पर 2000 रुपया है, उनमें से क्या करता है? 30% खर्च करता है। 300/2000 × 100 करेंगे तो आपका जो खर्च का रेशियो निकलेगा वो आपका यहाँ पे बी नंबर होगा 15%। कितना हो जाएगा? 15%। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में बेचा, यानी 200 रुपया लाभ हुआ। कितना पे? 1000 रुपया पे। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 20% क्या हो गया? उसको फ़ायदा हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित है? द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। जब आप मैप देखेंगे इंडिया का तो आपको पता चलेगा कि लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में है। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है बताइए? गति के, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण ऐसा होता है। और 78 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 100 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, इसमें कितना परसेंट लाभ हुआ बताइए? 100 रुपये में खरीदा, 1300 में बेच दिया, 300 रुपये कितना पे लाभ हुआ? 1000 पे 300 लाभ हुआ, यानी सीधा सीधा आप देखेंगे तो कितना लाभ हुआ उसका? 30% उसका लाभ हो गया। कितना परसेंट लाभ हो गया भाई? 30% उसका लाभ हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? दही है, सिरका है, केला है, नींबू है? नींबू में। किसमें? नींबू में।
परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा? परिधि, सरकमफ्रेंस। तो 80 का बी नंबर राइट हो जाएगा, परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए? नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। फॉरेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वह 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार की बीमारी के लिए? तो विकृतिजन्य रोग के लिए, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? जिसके नीचे पदार्थ ठंडा हो ही नहीं सकता, -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। ये अंतिम पॉइंट। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किसके द्वारा? भट्टी के सामने, मान लीजिए भट्टी जल रहा है, उसके सामने आप खड़े हैं, तो आपको जो ताप लगता है, ज़्यादा ताप किससे लगे? संवहन से, चालक से, विकिरण से, चालक तथा संवहन दोनों से। ए राइट हो जाएगा, संवहन से। किससे? संवहन से। कुकिंग गैस में 90% क्या होता है? जो हम खाना बनाने वाली गैस होता है उसमें 90% क्या उपस्थित होता है? तो इसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, एसिटिक एसिड। बी राइट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड से सबसे ज़्यादा खट्टापन पैदा होता है। और 89 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना होता है? आपको पता है कि सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है, तो 18 कैरेट यहाँ पे है, यानी 24 नीचे में रखेंगे, 18 ऊपर में रखिए आप, और इनटू में 100 जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा, यानी 89 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 75% शुद्ध होता है। कितना होता है? 75%। अगला क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत जल्द सवाल का क्लास समाप्त होने वाला है। और आपको बता दें कि आप अगर हमारा रेगुलर वाला जो हम चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें हिंदी और जीके जीएस के प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसू जल, इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? वहाँ पे जो गैस निकलता है वो है अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमोनिया गैस। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? अन्य हाइड्रेटेड के बनने का हाइड्रेशन, ये होता है। NaOH सूत्र वाली एक यौगिक है, कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्या होगा? कॉस्टिक सोडा। क्या होगा? कॉस्टिक सोडा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, इसकी विशेषता क्या कहलाती है? इसकी विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है। क्या? प्रत्यास्थता। स्वस्थ मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है कितना परसेंट? इसके लिए है आपका 50%। कितना हो सकता है? 50%। ताप मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? सेल्सियस। कैलोरी, तापक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो इसे कहा जाता है सेल्सियस। और
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? नीले रंग के किस तत्व के लवण होते हैं? कॉपर के। किसके होते हैं? कॉपर के। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? मृदु इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात, पिटवा इस्पात। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पिटवा इस्पात। पिटवा इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। इस तरह से ये बेहतरीन क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो मैं जो पिछले 8-10 साल के एग्ज़ाम का जितने भी सेट हैं, जो पूछा गया एग्ज़ाम का पूरा सेट मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि कई प्रश्न रिपीट होते हैं। इससे एक और चीज़ मालूम चलता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी मैं पहले ही बता दी कि आपका जो मेरा जो रेगुलर सेट चल रहा है प्रैक्टिस, उसमें जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन शामिल किया जा रहा है। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, क्योंकि जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसे ही हम शामिल कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपको।